मेष राशि वालों के लिए 2024 नई ऊर्जा और उमंग लेकर आ रहा है। कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है। राशि के स्वामी मंगल पारिवारिक लव लाइफ और करियर को मजबूत बनाते हुए दिख रहे हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। हनुमान चालीसा का पाठ करें एवं मंगलवार के लिए सिंदूर का चोला चढ़ाएं। वृषभ राशि की बात करें तो कुछ क्षेत्रों में हानि का सामना करना पड़ सकता है। वाद विवाद करने से बचें एवं कुछ खरीदने से पहले अच्छी तरह विचार कर लें। कारोबार में कठिनाइयां आएंगी, गलत फहमियों का शिकार हो सकते हैं, इसीलिए सतर्क रहें। धैर्य बुद्धि और विवेक से काम करें। उपाय, शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी के लिए यज्ञ हवन करें। मिथुन राशि वालों के लिए यह माह काफी शुभ दिख रहा है। धन का लाभ और मांगलिक कार्यों में रुचि दिन को शुभ बनाते हुए नजर आ रहे हैं। गुरु पंचम को देख रहे हैं, पंचम उच्च शिक्षा का भाव है। विद्यार्थियों को परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें, दिन और शुभ होगा। कर्क राशि की बात करें तो शनि देव चंद्र राशि के संबंध में आपके आठवें भाव में स्थित है। अपने निजी जीवन और कार्य क्षेत्र में संतुलन बनाने की जरूरत है। धन लाभ की संभावना है, लेकिन तनाव से बचें। दिमाग पर कार्य क्षेत्र के तनाव को हावी होने से बचें। उपाय के तौर पर प्रतिदिन 21 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। सिंह राशि वालों की बात करें तो सिंह राशि के ग्रहों की दशा और दिशा इस समय काफी अनुकूल स्थिति में नजर आ रही है। जमीन से जुड़े विवादों में सफलता प्राप्त हो सकती है। निजी जीवन में मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही शारीरिक सेहत पर भी काफी ध्यान देने की जरूरत है। व्यायाम जरूर करें। मसालेदार भोजन करने से बचें। प्रतिदिन 44 बार ओम होमते नमः का जाप करें। कन्या राशि वालों की बात करें तो कन्या राशि वालों की कुंडली में शनि आपके छठे भाव में स्थित होने के कारण आपकी सेहत में सुधार देखा जाएगा, किंतु शादीशुदा है तो अपने दाम्पत्य जीवन पर ध्यान दें, खास तौर पर अपने बच्चों की सेहत पर। आर्थिक खर्च हो सकते हैं, नई ऊर्जा का आगमन होगा। दिन और साल को बेहतर बनाने के लिए प्राचीन पाठ विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। तुला राशि की बात करें, तुला राशि में चंद्र राशि से केतु आपके 12वें भाव में स्थित है। नए साल के प्रथम दिन से ही आपको भावुक महसूस होना स्वाभाविक है। अपने दिल की बातें अपने मित्रों के साथ बताने में आप संकोच करेंगे। बेहतर होगा कि आपकी भावुकता आप पर हावी ना हो। इसके लिए आप बीते कल को स्वीकार कर उसे भूलकर अपनी ऊर्जा को अपनी प्रगति हेतु इस्तेमाल करें, जिससे आपको आर्थिक लाभ भी हो। शुक्रवार के दिन उपाय के तौर पर वृद्ध महिलाओं को भोजन दान करेंगे तो भाग्य और मजबूत होगा। वृश्चिक राशि के लिए यह साल सेहत के लिहाज से काफी स्वास्थ्यपूर्ण होगा। आप पहले से बेहतर महसूस करेंगे। देव गुरु बृहस्पति छठी भाव में स्थित होने के कारण स्थिति बन रही है कि कुछ जरूरी योजनाएं सफल होगी, जिससे आपको आर्थिक फायदा पहुंचेगा और आप धन संग्रहित करके आर्थिक मजबूती की ओर अग्रसर होते दिख रहे हैं। प्रतिदिन 27 बार ओम भौमाय नमः का जाप करें। धनु राशि की बात करें तो चंद्र राशि से आपके चौथे भाव में राहु के स्थित होने के परिणाम स्वरूप धनु राशि इस साल आपको खुद को हर प्रकार के संदिग्ध आर्थिक लेन देन से दूरी बनाए रखने की सलाह दी जाती है। लालच से बचें। सेहत की दृष्टि से आप अपनी किसी लंबी बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। मेहमानों से आपसी संबंध और प्यार में वृद्धि होगी। 11 बार ओम शिव ओम शिव ओम का जाप करें। मकर राशि वालों को अपने मोटापे पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, अन्यथा वजन बढ़ेगा। इसके लिए व्यायाम जरूर करें और खाने पर नियंत्रण रखें। चंद्र राशि के संबंध में देव गुरु बृहस्पति के आपके चौथे घर में स्थिति रही है। धन खर्च की रणनीति तैयार करके ही धन खर्च करें, क्योंकि शुरुआत में आपके पक्ष में स्थिति दिख रही है, लेकिन आने वाले समय में आपको हानि भी पहुंच सकती है। प्राचीन पाठ लिंगाष्टंग का प्रतिदिन पाठ करें। कुंभ राशि वालों के लिए भाग्य काफी मजबूत नजर आ रहा है। यही कारण है कि बावजूद इसके कि आप आर्थिक तौर पर आपका खर्च बढ़ेगा, आपको आर्थिक तौर पर फायदा भी दिख रहा है। इसीलिए जरूरी है कि संतुलन बना रहे।
छोटी मोटी शारीरिक कष्ट जैसे सर्दी जुकाम होने की संभावना है, लेकिन कोई बड़ी समस्या होती नहीं दिख रही है। शनिवार के दिन शनि ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। मीन राशि वालों के लिए नया साल शारीरिक रूप से सेहतमंद होगा। निजी जीवन में भारी मात्रा में धन खर्च किसी पारिवारिक सदस्य पर हो सकता है, आर्थिक स्थिति तक बिगड़ सकती है, परंतु परिवार में मान सम्मान बढ़ने की स्थिति दिख रही है। परिवार के सदस्यों के साथ रिश्ते भी सुधरेंगे। एक छोटा सा उपाय, प्रतिदिन 21 बार ओम गुरुवे नमः का जाप करें।